नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपने में खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ देखना और इस स्वप्न के शुभ या अशुभ परिणामों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ देखते हैं या आप देखते हैं कि आपको किसी ने ऊंचाई से धक्का दे दिया है या आप किसी गहरी खाई में आप गिर गए हैं या किसी गहरे खड्डे में गिर गए हैं और उस गहरी खाई में से या गड्ढे में से आपसे निकला नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में इस स्वप्न का क्या अर्थ होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप सपने में देखते हैं कि आप ऊंचाई से गिर गए हैं तो यहाँ पर इस सपने के दो अर्थ होते हैं। एक इस स्वप्न का मनोवैज्ञानिक कारण होता है और दूसरा इस स्वप्न का ज्योतिषीय कारण होता है। यदि हम मनोवैज्ञानिक कारणों की बात करें तो कोई भी सपना, चाहे हम इस सपने की बात करें या किसी और सपने की बात करें, कोई भी सपना हमें तब आता है जब कुछ घटनाएं हमारे साथ दैनिक जीवन में घट जाएं। दैनिक जीवन में या वास्तविक जीवन में हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, हम दिन में जो भी सोचते हैं, तो वो बातें ही कभी कभी हमारे सपने में आ जाती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी बहुत सी बातें हमें सपने में आ जाती है क्योंकि वो बातें हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर वो बातें स्टोर हो जाती हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक सपनों का हमारे भविष्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है। भविष्य के साथ संबंध होता है ज्योतिषीय कारणों का, अर्थात किसी सपने का जो ज्योतिषीय अर्थ होता है वह बताता है कि उस सपने का हमारे भविष्य के साथ क्या संबंध होगा। तो हम इस सपने का जो ज्योतिषीय अर्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ज्योतिषीय अर्थ ही बताएगा कि इस सपने का हमारे भविष्य के साथ क्या संबंध होगा। तो देखिए, यदि आप सपना देखते हैं कि आप ऊंचाई से गिर गए हैं या किसी ने आपको धक्का दे दिया है, तो यहाँ पर इस सपने के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कि यदि आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है और वह नौकरी अभी प्रक्रिया में चल रही है, यानी अभी आप वो भर्ती चल रही है और आपने अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में वो भर्ती अधर में चली जाए, अर्थात कोर्ट में चली जाए, और वो भर्ती एक लंबे समय के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो अटक जाए। यानी आपका जो बनता हुआ काम है, विशेष करके नौकरी के क्षेत्र में, वो आपका रुक सकता है। यानी ऊंचाई से गिरते हुए देखना अपने आप को नौकरी के लिए बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। दूसरा इसका अर्थ माना जाता है कि यदि आप गिर रहे हैं सपने में, आप खुद को देख रहे हैं, तो आप को बिजनेस में भी लॉस हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपको बिजनेस में भी लॉस हो सकता है। और यहाँ पर एक अर्थ हम आपको और बता दें, यदि आप इस तरह का सपना देखते हैं, खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देखना, तो यहाँ पर आपका जो मान सम्मान है उसमें भी बहुत अधिक कमी आ सकती है। अर्थात आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, आपके व्यापार के क्षेत्र में भी, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में या आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में, कहीं पर भी आपको सामाजिक प्रतिष्ठा जो है आपकी वो खो सकती है। तो ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव सपना है। और दोस्तों, यदि आप देखते हैं कि आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं, किसी खाई में हैं, और आपसे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं या ऊंची ऊंची आप बहुत ऊंचा देखते हैं और अपने आपको बहुत गहरे गड्ढे में देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो आपकी जो समस्या है अभी ये लंबे समय तक चलने वाली है। अभी आप इतनी जल्दी इस समस्या से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको वेट करना होगा। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल या 2 साल। तो कुल मिलाकर ये सपना बिल्कुल अशुभ सपना माना जाता है। और यदि ऐसा सपना है तो आप बिल्कुल सावधान रहें, लेकिन अपने मनोबल को गिरने ना दें और सावधान रहें। भविष्य में जो भी कुछ होगा आपके साथ, उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि यदि आप घबरा जाएंगे तो आप आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करेंगे। तो इसलिए घबराए मत और धैर्य से काम लें। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।